देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज का जो है ना, तकरीबन एक हफ्ते कंसोलिडेशन के बाद में आज की मार्केट काफी अपराइज हुई है, ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो उसके रीजनों की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने आज जम करके खरीदारी करी 3,200 करोड़ की, और 110 करोड़ की किसने खरीदारी करी है? आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, उम्मीद के मुताबिक वही हुआ है कि ये लोग बजट सेशन से पहले, फेड की कमेंट्री कल और परसों आने वाली है उसको देखते हुए, उसके बाद में इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ता है उसके बाद ही ये लोग खरीदारी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फिर आज की मार्केट इतनी राइज कैसे हुई? आज की मार्केट इसलिए राइज हुई, मैंने आपको बताया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने कमर को कस लिया है, और खास करके 17-18 हज़ार करोड़ रुपये जो आपके पास कौन से आ रहे हैं, फ्लो आ रहे हैं हर महीने SIP के द्वारा आ रहे हैं। और जो ये थोड़ा सा मार्केट डाउन हुई थी, इस पर भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर करके पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लुएंसर जो है ना, आपको बिल्कुल एकदम से इस बात के लिए तैयार कर रखे कि अपना माइंड सेट बना लें, अगर आपका लॉन्ग टेन्योर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साल के बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा कि मार्केट कभी डाउन हुई थी। ये छोटे मोटे सिनेरियोज आते रहते हैं और ये चंक जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा, मैं अभी भी यही बोलूंगा, अगर लंबा लमसम है तो उसको पार्ट पार्ट में ही आप डालिए, एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये कब मार्केट आपकी डाउन हो जाए और उसके बाद में आपका कार्पेस कहीं डाउन ना दिखे। इसलिए जैसे जैसे हैश से मार्केट ऊपर चढ़ती है ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप आप भी इन्वेस्ट करें, डरने वाली कोई बात नहीं अगर आपका लॉन्ग होराइज़न आती है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर आप देख ही रहे, उसी को देख करके आप आए हैं, तो टाइटल और थंबनेल आपको पता ही है। उस पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे सरस्वती होती है ना, लक्ष्मी वहीं पर ही होती हैं, मेनली ये देखा जाता है। अब सरस्वती का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है उसके बाद में हुआ। कई सारे लोगों को आपने देखा हुआ है जिनको की सामाजिक समझ होती है, जिनको की अर्थ की समझ होती है, उनको बड़ी अच्छी उनकी पकड़ होती है, उनकी पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती है। तो चलिए, पढ़ने और लिखने की उम्र इन्वेस्टर के टाइम पर तो नहीं चलती है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले इस एवज में मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी कोई भी हो, हर किसी का एक दायित्व तो होता है और उसे अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, इससे आप डिनाई नहीं करेंगे। अब अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसके बाद में जो आपको रूल बताया गया 50-30-20 का, अब उसमें 20% कर रहे हैं आप, 30% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर करता है, आपके सेविंग की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आपने ये करना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है, तो आपकी क्या हो गई, एक टाइप की सेविंग शुरू हो गई। सेविंग शुरू होने के बाद में आपका सबसे पहला दायित्व तो जो ख्याल आएगा, वो ख्याल क्या आएगा, हम इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट आप किसी भी फॉर्म में करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब ट्रेडिशनल आपका जो है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, जो आपके परिवार में करते गए हैं, उसको आप सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। अब आपने जहां पर भी आपने स्टार्ट कर दिया, वो आपका एक टाइप का क्या बन गया, असेट बन गया। उस असेट से डिनाई नहीं किया जा सकता है, उस असेट से आपको रोकने वाला होगा, बेवकूफी होगा जो कि रोकेगा। लेकिन अब आपको जैसे एक चीज का हो गया, हर घर में आपको LIC का यूलिप प्लान मिलेगा, मनी बैक प्लान मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे एजेंट्स घूमते हैं, घर घर घूमते हैं, लोगों को समझाते हैं। अब लोगों को जब वो समझ में आ जाता है, और LIC का दूसरा क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, सबका ये मानना है ये गवर्नमेंट की बॉडी है, और उसके बाद में उसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ साथ सबसे बड़ी मार्केट की इन्वेस्टर जो आज के टाइम पर कंपनी है, वो आपकी LIC है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आज के टाइम पर इतनी सारी जानकारियां अवेलेबल हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस अवेलेबल हैं, तो आप ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहे हैं। ये हो गया। अब रही बात कि आपको सीखने में कितना समय लगेगा, जो आज का सवाल है, उस पर हम आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब सीखने में मैं आपको एक बात बताऊं कि सीखने में आपको वही है कि आप सबसे पहले खुद की समझ से, खुद की क्षमता से इसको प्रयास करें। हाँ, किसी से अगर आप सलाह ले रहे हैं तो सलाह लेने में बुराई नहीं है, लेकिन आप दो चीज़ों को अवॉइड करिएगा। एक तो सबसे पहले जो आपको सलाह दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको या तो आपके
बैंक वाला होगा या तो आपका कोई फाइनेंशियल या ब्रोकर होगा। अब उसमें अगर अगले का हित बैठ रहा है तो उसमें आपका नुकसान है, आपका नुकसान है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम क्या होगा, एक समझ तो विकसित होगी। जब आपको एक समझ विकसित हो जाएगी तो आज के टाइम पर आपको सीधी सी बात है, आप उसको स्विच कर सकते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 2 साल में 4 साल में छोटे मोटे अमाउंट से कोई आपका इतना प्रॉफिट इतना पैसा नहीं ले लेगा। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका नॉलेज स्तर बढ़ता जाएगा। जब आपको नॉलेज स्तर आपका बढ़ जाएगा तो आप अपने आप ही ये बात ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है मेरे लिए बुरा क्या है। और जब आप एकाध चढ़ाव उतार देख लेंगे तो आप और ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे। बात समझ गए आप? तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, अपने दायित्वों का निर्वाह करिए, उसके बाद में आप एक स्टार्ट तो करिए। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर स्टार्ट हो गया मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना तो कंप्लीट आप भी करेंगे। और मैंने आपको ये बात बताई हुई है, ये भी एक जर्नी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी एक जर्नी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस जर्नी को तय करने के लिए आपको कई जगह पर स्टॉप भी करना पड़ेगा, बस भी छोड़नी पड़ेगी, रूट भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, वो सब आप अपने आप कर लेंगे। ये अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास करिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है ना तभी आप कोई काम कर पाएंगे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप डेफिनेट है, आप आइए समझिए। और ये इतना डाइवर्सिफाई है, 4-5 फंड आपने ले लिया ना तो आपका ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ज़्यादा आपको पचड़े में नहीं पड़ना है, ज़्यादा पचड़े में पड़ने के लिए आप जो है फंड मैनेजर को क्या कर रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं, उसको पढ़ने दीजिए। आप अपने गोल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ फंड को चुन लीजिए। और ज़्यादा आपको और भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप जुगाड़ी टास्क के वीडियोस को देखते रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।